हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निशा प्रेग्नेंट है, तो आज निशा का रूटीन चेकअप होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल। बाकी मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ और निशा अपना रेडी हो रही है। व्हाट इवन इफ गाइज, आप लोग तो बहुत बाद में वीडियो देखेंगे, तो एनीवेज हम चाहते हैं कि हर वो मोमेंट आपसे शेयर करें। तो अभी बस वही निकल रहे, अभी हम लोग हॉस्पिटल और देखते हैं कि आज रूटीन चेकअप में डॉक्टर क्या कहता है, क्योंकि अभी हमें घर भी निकलना है और आज अप्रॉक्सीमेट ढाई मंथ से ऊपर हो चुके हैं। तो ढाई मंथ से गाइज ऊपर हो चुके हैं और आई होप एवरीथिंग इज ओके। घर जाने से पहले हम सोच रहे हैं, क्योंकि घर जाना बहुत जरूरी है गाइज, वहाँ पे एग्जाम है, निशा का एग्जामिनेशन है। तो मैंने बीपीएससी का, यू नो, आप लोग करंट ब्लॉग में तो देख ही रहे हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस समय बीपीएससी का निशा का पेपर है। तो इस पर्पज से भी हमें घर जाना है, बट ओवरऑल घर जाएंगे फिर क्या होगा, क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट है तो पता नहीं मम्मी आने देगी या नहीं आने देगी, ये भी पता नहीं है। बट ओवरऑल जो भी होगा अच्छा होगा गाइस, आप लोग बने रहें और ऐसे प्यार देते रहें। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं हॉस्पिटल के लिए MMU, और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या अभी ये ट्रैवल करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग घर जा रहे हैं। और भी कुछ चीज़ें, थोड़ा बहुत निशा की थोड़ी सी तबीयत बहुत बोल रही है, खराब भी लग रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। ऊपर से जैसे कि आप लोग को करेंट ब्लॉग में पता होगा कि मतलब हम लोग का घर का गैस खत्म है, तो ब्रेक कल तो खाना ही नहीं बना, आज का भी पता नहीं कब आएगा। अभी कॉल किया तो बोले कि 12 बजे के बाद ही आएगा, तो 12 बजे के बाद 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, कुछ ठीक नहीं है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, पता नहीं क्या करके खाना खा के आएंगे अच्छे से। तो एनीवे गाइस, आप लोग बन रहे और चलिए आज ब्लॉग में हमारे साथ एंजॉय करें आज के ब्लॉग को। और इतनी तेज धूप है, बाहर निकलते कि मैं अंदर घुस गया हूँ और ये फिर से बाहर निकली थी और फिर चली गई घर के अंदर, कह रही कि नहीं मैं छाता लेकर आती हूँ वरना मैं बॉयल हो जाऊंगी इसमें। मिला छाता? चलो गाइस, तो छाता मिल गया, कम से कम इसको राहत मिल गया। मैं तो छाता लेके नहीं चल सकता हूँ, मेरे को ऑड लगता है बहुत ही, अपन ऐसी ठीक है, पर बहुत तेज धूप है गाइस। और अभी मेरे ख्याल से 10:30 बज रहा है, कितने बज रहे बाबू? 9:30 बज रहे अभी गाइस। तो चलिए चलते हैं फिर हॉस्पिटल, और बाकी यहाँ से अभी सचिन भाई तो नहीं है, तब ऑटो से जाना पड़ेगा और ऑटो भी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। बाकी देख लीजिए गाइस, देख लीजिए फाइनली अपनी छतरी निशा ने छटका ली, कह रही कि अब मैं बॉयल नहीं हूँगी कम से कम, और अब मैं चल सकती हूँ। और बाकी मैं बिना छतरी के चल रहा हूँ, माया भी नहीं आ रहा, एक बार भी नहीं बोली कि चलिए आ जाइए मेरी छतरी में, आ जाइए मेरी छतरी में, सलमा आ जाए, पता नहीं गाना है कैसे, क्यों खरी है सलमा खरी खरी। तो अभी क्या हुआ कि हमें एक गाड़ी वाले तो भैया मिल गए थे, यहाँ तक छोड़ दिए, बट यहाँ से हमें पैदल जाना होगा और यहाँ से डिस्टेंस अभी जो हॉस्पिटल है उसका 1 किलोमीटर है, बाकी हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि अभी कॉलेज का टाइम नहीं है, तो गाइज अभी बस या कुछ भी मिलेगा नहीं। और बाकी ये देखिए सूरजमुखी का बगल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी सूरजमुखी है, आइए देखिए ये रियल सूरजमुखी है, सब उधर मुँह किया हुआ है, अभी उधर सन है ना। हाँ उधर सन है, इसीलिए जिधर सनराइज होता है उधर ही होता है। वाह बहुत खूबसूरत लग रहा है ना बाबू, ये सब अभी बहुत खिला है, पूरा खिल जाएगा। हम्म, देखियो कभी सूरजमुखी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। चलिए गाइस चलते हैं, बाकी देखिए वो रहा हमारा यूनिवर्सिटी, आपको नजर आ रहा होगा वो, और अभी हम लोग है यहाँ पे 1 किलोमीटर हमें चल के जाना होगा। और मस्त है गाइस, दोनों तरफ से पूरा एकदम रोड पे छांव है, क्योंकि बहुत अच्छा प्लांटेशन किया गया है ना बाबू, तो मजा भी आ रहा है। बाकी कह रहे कि इससे लिफ्ट ले ले, मैंने बोला चलो थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। दोस्तों फाइनली किसी तरह ढहते ढिमलाते हैं हम लोग आ गए हैं अभी हॉस्पिटल में, और बाकी यहाँ पे निशा भी है और मैम बैठी हुई है, तो जस्ट अच्छा है, लकी हम लोग की मैम बैठी हुई है, तुरंत जाएंगे दिखाने के लिए, देखते मैम क्या बोलती है। चेकअप करवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, 1 किलोमीटर बोला था, 2 किलोमीटर हो गया था हमारा डिस्टेंस। तो गाइस फाइनली डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने बोला कि क्या बोला अब ये निशा बताएगी, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं अंदर नहीं गया था। तो क्या बोला डॉक्टर ने? सो गाइस जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि अल्ट्रासाउंड के लिए, तो जाए गए जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे तो गई, देन वहाँ पे जाने के बाद पता चल रहा क्या आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड के लिए मेरा तो छूट गया था, जेरोक्स नहीं था। और फिर से एकदम बाहर आए हम लोग, मतलब धूप में हालत खराब, इतना ज्यादा धूप है, इतना ज्यादा गर्मी है, फिर से बाहर, और सुबह से बिना कुछ खाए पे एकदम लग रहा जान निकल जाएगा। तो ऐसा गन्ना का जूस पिए तो एनर्जी आया था, 1 घंटा काम किया,
लेकिन अब सोच रहे पहले खा ले उसके बाद ही कुछ करवाएंगे, कम एनर्जी नहीं है। बट गाइस दिल मांगे मोर, अब भूख लग रही है बहुत तेज, अब ये काम भी जरूरी है, तो सोच रहे पहले ये जमा करवा देती हूँ पर्ची, ताकि नंबर लग जाएगा और उसके बाद से खा लेंगे आराम से बैठ के कैंटीन में। बहुत ज़्यादा धूप देख ही सकते हैं, तो चलिए जल्दी। और ये इसका जब हम लोग बैक साइड से आते हैं थोड़ा शॉर्टकट से, लेकिन घुसते ही आइसोलेशन वार्ड है कोविड का, इतना डर लगता है। देखिए यहाँ पे दिखाते हो आपको, ये रहा उल्टा दिख रहा होगा सैंपल, और ये पूरा आइसोलेटेड वार्ड है। एनीवेज अभी शायद पेशेंट नहीं है, अभी खाली खाली सा है, और अभी तो ट्रीटमेंट भी है, वैक्सीन भी लगा लिया है दोनों डोज, तो डर नहीं लगता है। सुपर डोज कराने वाला। हाँ तो चलिए जल्दी से पहले पर्ची को जमा करते। फाइनली अल्ट्रासाउंड हो गया, रिपोर्ट भी मिल गई है, अब बस डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले सोच रहे पहले भोजन कर लेते हैं, क्योंकि 12:30 बज गया है, और मतलब क्या बताएं, बहुत जरूरी भूख लगती है तो पहले खाना ही हिम्मत नहीं चलने का। हाँ लग रहा है मैं सो जाऊंगा, खा लूँ तो सो जाऊंगा। मेरे मुझे तो नींद भी नहीं आएगी, भूख में मुझे नींद भी नहीं आती है, तो मुझे मैं तो पहले रो नहीं रही है, वही बहुत है, मैं सोच रहा हूँ। अभी अकेले रहते हैं ना तब रोना आता है, अभी इतना कह तो नहीं रोना आता, भूख लगती है तो ये रोना शुरू करती है। तो चलिए पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं, और खाने में कोशिश करेंगे कि हम लोग को वेज थाली ही मिल जाए, वरना इधर उधर का कुछ क्या ही खाएंगे, फास्ट फूड समोसे तमोसे नहीं खाएंगे ना। हाँ खाना खाना यार, खाना खाना है, कल से तो ऐसे ही कुछ कुछ खा रहे हैं हम लोग। चलिए गाइस बड़ी मशक्कत के बाद खाना मिला है, मस्त सा एकदम दिखाते हैं आप लोग कैंटीन का खाना, एकदम लोग खाए इधर उधर नजर नहीं है, और सलाद। गुड इवनिंग दोस्तों, तो फाइनली हॉस्पिटल से आ चुके दोस्तों, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी भूख लग रही थी आके, एकदम लेट गए थे, एकदम मन नहीं कर रहा था, और इसीलिए और बाकी दूसरा भी थोड़ा सा फ्रेश हो गई, ये भी थोड़ा आके लेट गई। गाइस 2 किलोमीटर चलना पड़ा, हालत हो गई थी हमारी ख़राब। एक्चुअली गाइस हम लोग क्यों वहाँ से रहे मैं आपको बताता हूँ, कि हमने तो बोला था ना कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस बट वहाँ से था 2 किलोमीटर, और इसको चलाया तो इसकी पूरी हालत ख़राब हुई थी, और आके एकदम पूरा डेड हो गई थी, कह रही भाई मेरे को तो सोना है, इसका आवाज ही नहीं निकल रही थी, इतना ज्यादा धूप और इतना चलना, एक तो भूख लगी हुई थी इतना तेज की, और मतलब आवाज नहीं निकल रहा था, मेरे बोलने की शक्ति नहीं थी एकदम, कि हमें घर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना बाबू, क्योंकि पापा की भी तबीयत सही नहीं है गाइज, और बहुत सारा वहाँ पे काम पेंडिंग में, और हम लोग लास्ट 4-5 मंथ से यहीं पे हैं, मतलब पापा को टाइफाइड हो गया है, तो वहाँ स्कूल भी संभालने के लिए कोई चाहिए, तो उनसे अभी उतना हो नहीं पाता है वर्क, तो जाना पड़ेगा। और पता है गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा ना, मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा डरे डरे भी रहे, मतलब जो हमारे रिलेटिव है फैमिली फ्रेंड्स वो कह रहे थे कि इस कंडीशन में ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है ना, वो कॉन्शियस होना पड़ता है बच्चों के लिए बहुत ही, तो बहुत ज़्यादा ये टेंशन था, इसलिए आज हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गाइस, तो डॉक्टर ने क्या कहा ये निशा बताएगी। निशा हाँ, मैम ने बोला कि अभी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सेफ है। एक्चुअली किसी किसी का कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो उसको ट्रैवल करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन आप ट्रैवल कर सकती हैं, आप एकदम हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो मैंने बोला चलो शुक्र है भाई, अब घर जा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर, और ये तो वीडियो आप लोग मतलब बाद में देखिएगा, लेकिन 4th अप्रैल का हमारे टिकट हो चुका है, आप लोग शायद ये 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद पता नहीं कब देखिएगा, घर से जब भी परमिशन मिले आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तभी देखिएगा। तो अभी तो वैसे तो हम लोग आपके लिए देखिए हर पल का शूट करके ऐसे रख दे रहे हैं, ताकि आप लोग को भी बुरा ना लगे और हमें भी, मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग के साथ शेयर करें, हमारा बस चले तो अभी बता देगा टाइम टू टाइम, तो इसीलिए शूट करके अभी रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा और इतने सारे लोग गाइस ना कमेंट भी करते हैं कि दीदी आपका बेबी कब आने वाला है, शायद ऐसा लगता है कि उनको कुछ कुछ मतलब ऐसा लग रहा होगा, शायद हो जाता होगा इंडिकेशन की, मतलब कोई कह रहा है निशा दीदी आपका पेट निकल रहा है, इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं, मोटी हो गई है। तो कुछ नहीं, अभी खाते पीते रहते हैं ना, तो कभी कभी पेट फूल जाता है, ज्यादा खाना पेट के अंदर रहता है तो ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज तो घर जाने का मेन पर्पस यही है कि एग्जाम है मेरा 8 मई को, घर पे जाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, इतना दिन हो गया है 2 साल में ना, इसको पूरी फैमिली के साथ रहने की आदत है, और फिर मुझे देख देख के बोर हो जाती है, कहती है नहीं मेरे को घर जाना। ये भी इवन की कोचिंग चले जाते हैं तो हम अकेले रहते हैं, एकदम अजीब लगता है, कभी कभी डर भी लगता है,
बहुत ज्यादा मतलब डर लगता है, अकेले घर पे रहना भी सेफ नहीं होता है, तो इसीलिए सोच रहा है कुछ दिन के लिए घर जाए, थोड़ा मूड चेंज हो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। सब इंतजार भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कब आइएगा अभी, कब आइएगा, कॉल पे कॉल आया जा रहा है। इवन बर्थडे भी था तो बोले कि नहीं आप नहीं आए, पार्टी देना था इसी कारण आप नहीं आए। तो बहुत लोगों को ये गाइस पता भी नहीं है, और इसीलिए हम लोग ज्यादा उछल कूद, जैसे अनिशा का बर्थडे था, एनिवर्सरी था, इसलिए हम लोग सब कुछ सिंपली वे में हमारा मनाने का ये भी एक रीजन था, क्योंकि हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, हम चाहते तो कहीं ट्रैवल करके जा सकते, ट्रैवल करके भी जा सकते, इसलिए हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। तो बहुत लोग लगा कि क्यों, मतलब कुछ ऐसे कमेंट भी कर रहे कि आप लोग सचिन मनीषा की तरह क्यों नहीं अच्छे से सेलिब्रेट किए, तो यही रीजन है गाइस, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस है, तो इसलिए हम लोग सब कुछ सिंपल वे में कर रहे हैं, अगले साल बहुत धमाकेदार करेंगे, और कोई रीजन नहीं था गाइस, बस यही रीजन था। बट एनीवे डॉक्टर ने क्या कहा बाबू, आप जरा बताओ। डॉक्टर ने वही बोला कि अभी फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें ना चेक किया जाता है कि बेबी का जो बोन्स है वो शायद फॉर्म होता है, और नाक का जो बोन है मतलब नेसल बोन जिसे कहते हैं, तो वो फॉर्म हो चुका है, मतलब वो इस मंथ में एंड ऑफ थर्ड मतलब मंथ फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म हो चुका है, धीरे धीरे सारे लिम्ब्स फॉर्म हो रहे हैं और सब कुछ, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, मतलब दिखाओ तो मुझे जरा, ये वाला ना मुझे समझ में नहीं आया उतना कुछ, इनका अल्ट्रासाउंड मेरा तो ये वाला ना मुझे उतना कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया, लास्ट वाला थोड़ा समझ में आया था, इसमें लिखा उखा है, लेकिन लास्ट टाइम जब हार्ट बीट सुनी थी तो बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि हार्ट बीट फॉर्म हो चुका है, तो ये सब मतलब अच्छे से डेवलप हो रहा है सारा सब कुछ, और एवरीथिंग इज नॉर्मल। बस उन्होंने बोला कि थोड़ा सेफ रहना, दवाइयाँ टाइम वन पे लेना, एंड कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जो अगले मंथ से चलेंगी, तो बोला कि ठीक है चलिए मैम, हम घर से घूम के आते थे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से घूम के आओ, फिर आगे का जो दवाई वगैरह है वो सब चलेगा। तो बोला चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी है वो मैम, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, एकदम मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से डील करती है गाइस, मतलब इतनी अच्छी डॉक्टर है ना, कि हम मैंने यही बोल रहा था कि बाबू अगर ऐसा होता ना कि अगर हमारी फैमिली यहीं पे रहती और या पॉसिबल होता कि मैं माँ को यहाँ पे बुला लूँ, तो हम लोग यहीं पर आगे सब कुछ रह जाते, कोशिश करेंगे यहाँ पे रहने का, यहाँ क्योंकि यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा है, जो हॉस्पिटल है ना मतलब बेस्ट वहाँ में लगता है, जो सर्विस है, क्योंकि एक हॉस्पिटल का सर्विस बहुत बड़ा, मैं तो सो भी जाती हूँ कभी कभार उधर में, सोच इतना अच्छा है, आराम है, मतलब पेशेंट को ज्यादा ये है कि थोड़ा बड़ा है बोल के थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है इधर से उधर, उधर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन ना वो भीड़ एक जो इकट्ठी हॉटस्पॉट होती है जो हॉस्पिटल्स में वो सारा नहीं है। और एक खास चीज मैंने देखा, एक छोटा सा ना एंट्रेंस में मंदिर जैसा बनाया हुआ था, मंदिर में ना मतलब मुस्लिम के वो क्या बोलते हैं बाबू, हाँ, मतलब मुस्लिम धर्म के एक फोटो था, एक गणपति बप्पा का फोटो था, और एक क्रिश्चियन का था, नहीं क्रिश्चियन का, हाँ, क्रिश्चियन का भी था, और सिख का भी था, सिख का भी एक वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह से जो सिंबॉलिक है ना गाइस, सिंबल्स तो उस तरह का गॉडेस का वहाँ पे छोटा सा एक टेम्पल था, ज्यादा नहीं था, लेकिन ना दीवार पे वो मूर्ति और वो ऐसे चिपकाया हुआ था, तो इतना अच्छा लगा ना, मैं अचानक से कैंटीन से गुजर रही थी और मैंने एक पर मतलब नजर गया ऐसे, मैंने देखा कि वाह ये कितना सुंदर, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रही थी कोई ऐसे प्लेस में, मतलब हाँ, तीनों धर्म एक जगह, तीनों चारों धर्म हाँ एक जगह ऐसे करके था, और उसके अंदर ना लोग प्रेयर भी कर रहे थे, मतलब जिसका शायद क्रिटिकल कंडीशन होगा, तो मैं भी एक पल के लिए ठहर गई, ऐसे हाथ जोड़ ली, प्रे की कुछ ऐसे ही, बस ऐसे हाथ जोड़ लिया, कुछ वैसे मांगा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और इतना अच्छा लगा ना क्या बताऊं। तो कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, और ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म। और एनीवे गाइस, तो आशा करते हैं हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, प्लीज गाइस हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अगर कुछ एडवाइस हो तो जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और हम सभी का रिप्लाई करते हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, बस आप हमारे लिए प्रे कीजिए और अपना प्यारा आशीर्वाद देते जाइए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।